नमस्कार, इन न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। अब आपको सीधे कुशाभाव हॉल लिए चलते हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, स्व सहायता समूहों के साथ बात कर रहे हैं। आपका इंतजार करेगी या आप आना जरूर? बिल्कुल जरूर जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आना ही पड़ेगा जरूर। अरे इतने आग्रह से बुला रही हूँ तो जरूर आऊंगा, चिंता मत करो। जी मामा, एक बार जानी है, वहां कार्यक्रम बना लेना उमाकांत मंच पर मेरे साथ। यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ मंत्री, अच्छा एक और है अभी जी सर, चलो फटाफट करें क्योंकि आइए अंत में मिलते हैं बड़वानी जिले की सुधा दीदी से, जो कि आज राष्ट्रीय समुदाय मास्टर ट्रेनर हैं और जिनके पास हमें बताने को बहुत कुछ है। तो बातें करते हैं दीदी सुधा बघेल, राजपुर विकासखंड जिला बड़वानी। अच्छा सुधा दीदी, हम तो मैं नहीं पूछता आज तो, आप कैसे आपने सफलता प्राप्त करी उसकी कहानी आप सब दीदियों को सुनाओ। तो मैं सुधा दीदी से ही कहता हूँ कि आजीविका समूह में हमने स्व सहायता समूह आजीविका मिशन के अंतर्गत बनाए, तो उन्हें कैसे सफलता प्राप्त करी ये बताओ। भैया जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है सुधा बघेल और मेरे गांव का नाम है सनगांव और मेरे ब्लॉक का नाम है राजपुर और मेरे जिले का नाम है बड़वानी। मैं बड़वानी जिले से हूँ सर, और 2012 में मेरा समूह बना था। तो 2012 में हमारा समूह बना था, उससे पहले तो हमारी आर्थिक बहुत खराब थी, पर हम समूह आजीविका मिशन हमारे यहाँ पर 2012 में सितंबर महीने में आया था। तो वहाँ पर हमको दीदियों ने, एक समूह हमारे गांव में बन गया था लक्ष्मी समूह, तो दीदियों ने बोला कि तुम भी समूह से जुड़ जाओ, पर मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो मैं तैयार जल्दी नहीं हुई, क्योंकि मेरे को डर लगता था कि क्या पता क्या ये समूह में हम कभी जुड़ेंगे तो ये पैसे खा तो नहीं जाएंगे, ये डर मेरे मन में था। पर दीदियों ने मेरे को समझाया कि तू जुड़ जा, तेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो मैं जुड़ गई हिम्मत करके कि चलो जो भी होगा देखेंगे। 2012 में जुड़ी, उसके बाद में 2014 में मेरे को बुक कीपर, एसएजी बुक कीपर का प्रशिक्षण बड़वानी में लेने के लिए भेजा गया। तो वहाँ पर 5 रोज का था, तो जिस दिन मेरे को फोन लगाया गया कि आजीविका मिशन से कि दीदी आपको बड़वानी जाना है, तो मेरे को बहुत डर लगा कि कैसे जाऊंगी मैं, क्या करूंगी पहली बार, क्योंकि घर से बाहर तो कभी मैं गई नहीं, मैंने कभी राजपुर ही नहीं देखा था, और बड़वानी कैसे जाऊंगी। तो फिर मैं जैसे तैसे करके आ गई और मेरा एक छोटा सा लड़का था उसको भी लेके आई, वो बहुत परेशान करता था। पर फिर मेरे मन में ये लगा मेरे को कि नहीं, मेरे को आगे बढ़ना है। तो मैंने 5 दिन का प्रशिक्षण लिया बुक कीपिंग का, उसके बाद में फिर वापस गई, फिर और 5 दिन का लिया प्रशिक्षण। सुधा दीदी अल्प समय में, क्षमा कीजिएगा सुधा दीदी, अल्प समय में अपनी बात कहनी है, कम थोड़ा समय संक्षेप में थोड़ा कहें। जल्दी कहें और ये बताएं हिमाचल प्रदेश की यात्रा। तो फिर बार बार प्रशिक्षण लेने के बाद में नेशनल सीआरपी का चयन किया गया, उसमें मेरा भी नाम आया। तो मैं हैदराबाद में 25 दिन का प्रशिक्षण मैंने लिया और फिर हिमाचल प्रदेश में अन्य जिले में प्रशिक्षण, पहले लेने के लिए जाती थी, अब देने के लिए जा रही हूँ। तो हिमाचल प्रदेश में मैंने कुमोर में 12 दिन का प्रशिक्षण दिया और शिमला में 12 दिन का दिया। तो 24 दिन के मेरे को 1 दिन के प्रतिदिन का 2000 मिला। तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि आज एक गांव की महिला जो कम पढ़ी लिखी है, 8वीं पढ़ी लिखी है, उनको 2000 एक दिन का सिखाने के लिए मिला। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैंने दूसरों दीदियों को सिखाया और वहाँ पर चीज मैंने बड़ी अच्छी सीखी कि, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत बड़े नया शब्द था कि वेरी नाइस। बार बार वो दीदी बोलती थी कि वेरी नाइस, तो मैं सोचती थी कि वेरी नाइस क्यों बोला करती है बार बार। वेरी नाइस सुधा जी, तालियां बजाओ सुधा। देखो एक बहन पहले खुद सीखती है, खुद प्रशिक्षण प्राप्त करती है और अब वो सिखाने जाती है। हमारे नए जो स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई बहनें हैं उनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और उस ट्रेनिंग के कारण वो फिर मिशन के माध्यम से कई तरह के काम कर पाती हैं आजीविका से संबंधित। और अभी सुधा बता रही थी तो उनको 1 दिन की ट्रेनिंग के मास्टर ट्रेनर है 2000 रुपया मिलते हैं, और 2000 रुपया मतलब 60,000 रुपया महीना, हो सकता है रोज
ट्रेनिंग करने देने ना जा पाए, लेकिन जितने दिन देती 2000 रुपया मिलते हैं। तो हम सबके लिए गर्व की बात है, पहले हम सीखें और उसके बाद हम सिखाने का काम करें। मैं सुधा जी को और उनके तरह के जितने मास्टर ट्रेनर बहने हैं उनको बहुत बधाई देता हूँ और एक बार फिर कहता हूँ वेरी नाइस सुधा जी, आगे बढ़ते रहिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि नर्मदा जयंती के कार्यक्रम, और आज एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम अपनी दीदियों को भी मैं बताता हूँ। आज एक अपने गांव से एक अभियान मैं शुरू कर रहा हूँ गांव का गौरव दिवस मनाने का। सरकार अकेली हर गांव में सब तरह का विकास नहीं कर सकती जब तक हम खुद चिंतित ना हों, इसलिए अपने गांव के लिए साल भर में हम एक बार समय निकालें और अपने गांव के विकास के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचें। तो मैंने कहा शुरुआत करनी चाहिए, तो मैं जिस गांव में पैदा हुआ मैंने अस्पताल में जन्म नहीं लिया, मैंने गांव में ही जन्म लिया घर में जैसा पहले होता था। तो उसी गांव में जाके गांव वालों के साथ बैठ के अपने गांव के विकास की और गांव की बेहतरी की योजना बनाऊंगा। आज वो कार्यक्रम भी है, नर्मदा जयंती के कार्यक्रम भी है, लेकिन आज सौभाग्य के दिन का प्रारंभ अपनी बहनों के साथ हो रहा है। इस अवसर पर हमसे जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, आदरणीय ओम प्रकाश शक्लेचा जी, इस विभाग के हमारे राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल जी, उमाकांत उमराव जी, बहलवाल जी, सुषमा जी, और पूरे प्रदेश में आज इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई मेरी लाखों बहनों। देखो चर्चा में हमने देखा कि हमारे अंदर अगर काम करने की तड़प हो तो बहनें चमत्कार कर सकती हैं। हम अभाव में जीने के लिए पैदा नहीं हुए, हम केवल गरीबी में जीने के लिए पैदा नहीं हुए, हम केवल ताने सुनने के लिए पैदा नहीं हुए, हम केवल अन्याय सहने के लिए पैदा नहीं हुए। इतिहास में भूतकाल में हमने पहले देखा कि बहनों का और बेटियों का जितना सम्मान होना चाहिए था उतना सम्मान नहीं होता था। मैंने अपने गांव में देखा पति की मर्जी पत्नी से चाहे जैसा व्यवहार करे, कभी डांट दिया, फटकार दिया और कभी कभी तो मार भी दिया, ऐसी घटनाएं होती थी। अब भी बिल्कुल नहीं होती, ये मेरा कहना नहीं, अब भी कई बार घरेलू हिंसा की घटनाएं सुनाई में देती है। नारी केवल ये सहने के लिए नहीं है, बचपन से मैंने ये भेदभाव और अन्याय अपने गांव में भी देखा था। बेटा और बेटी में भेद किया जाता था, बेटे को लाड़, बेटी आ गई तो कहां की आफत आ गई, मां की सूरत भी उतर जाती थी। और तब से दिल और दिमाग में यह बात बैठी थी कि मां बहन और बेटी के सशक्तिकरण के लिए काम करना है। और आज मैं कहता हूं मेरी बहनों, मेरे जीवन का मिशन है मां बहन और बेटियों की बेहतर जिंदगी वो जिए, इसके लिए हर संभव कोशिश करना, हर संभव कोशिश करना। और इसलिए जब मुख्यमंत्री नहीं था तब भी अनेकों प्रयास करता था व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जो योजनाएं बनी, अब तो योजनाएं बनी है जन्म लेने के पहले ही। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, मातृ वंदना योजना बनी, हमने संबल योजना में भी तय किया कि बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देने वाली होगी तो जन्म देने के पहले दो बेटे बेटियों तक 4000 रुपया उसके खाते में डालेंगे ताकि पोषण आहार भी वो खा सके ठीक से, खुद भी स्वस्थ रहे, बेटा बेटी भी आने वाला स्वस्थ पैदा हो। और एक चीज में और देखता था कि बेटा बेटी के जन्म के 8 दिन पहले तक खेतों में काम कर रही है, तो मेरे दिल में दर्द होता था कि हे भगवान वो दिन कब आएगा कि बेटा बेटी के जन्म के पहले कम से कम महीना भर तो आराम कर ले। और इसलिए विचार मन में था, इसलिए हमने तय किया 4000 रुपया पहले देंगे और बेटा बेटी के जन्म के बाद फिर 12000 रुपया और देंगे,
ताकि लड्डू वड्डू भी ढंग से खा सके, पोषण आहार भी मिल सके और घर पर रह के आराम भी कर सके। तो बेटा बेटी के जन्म लेने के पहले शुरू हो जाता है। अब बेटी पैदा हो तो दो बेटियों तक तो लाडली लक्ष्मी कर दी अपन ने, 41 लाख लाडली लक्ष्मी बच्चियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर है जो पढ़ रही है और आगे बढ़ रही है। और अब हम जल्दी लाडली लक्ष्मी 2 योजना भी लाने वाले हैं उन्हीं बेटियों के लिए। बेटियां पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई साइंटिस्ट बने, कोई पत्रकार बने, कोई अलग क्षेत्र में जाए, कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, तो बेटियों की हर संभव मदद की जाएगी। ढंग से पढ़ें, उसलिए एज भी बढ़ाई 21 साल, नहीं शादी हो गई तो फिर काय की पढ़ाई, बढ़ाई फिर कौन पूछ रहा पढ़ाई का। अब 18 साल में तो 12वीं तक ही आ पाती बेटियां, 12वीं या कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आई, 18 साल की उम्र हो गई, लेकिन अब बढ़ के कर दी 21 साल, ताकि उनको बड़े पदों पर पहुंचने का मौका भी मिल सके। तो बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें फ्री में, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, स्कॉलरशिप कई योजनाओं के अंतर्गत, 12वीं में अगर फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए, कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर साल 5,000 रुपया और पाए गांव की बेटी योजना के अंतर्गत। पढ़ाई में भी अगर वो तेज है पढ़ने में तो उसकी फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाए, मामा भरवाने का काम करे, ताकि बेटियों की पढ़ाई में कोई बाधा पैदा ना हो। अब कोरोना जैसे कंट्रोल हो रहा है, वैसे ही फिर से धूमधाम से शादियों का कार्यक्रम भी फिर बेटियों की प्रारंभ हो जाएगा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत। बेटियों का घर ठीक से बसे उसका इंतजाम भी किया जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों में उनको जॉब मिले, रोजगार मिले, उसके भी अनेकों प्रयत्न चल रहे हैं। जैसे सरकारी नौकरियों में, शिक्षक जैसी नौकरियों में अगर भर्ती होगी तो हमने तय कर दिया 50% भर्ती बेटियों की ही होगी, आधे बेटा आधे बेटी। बेटियों को रिजर्वेशन दे दिया ताकि बेटियां शिक्षक बने। हमने ये भी तय किया कि 30% नौकरियों में पुलिस की बेटियों को आरक्षण, मतलब अब 100 में से 30 पुलिस की भर्ती जब भी होगी तो 30 भर्ती बेटियों की करनी ही पड़ेगी। अब जब मैंने ये प्रयास शुरू किया, चर्चा चली, तो पुलिस में भी भारी विरोध हुआ, ये लड़कियां क्या करेगी, ये गुंडों का मुकाबला कहां से कर पाएंगी। लेकिन मैं देख रहा हूं पुलिस की यूनिफॉर्म में बेटियां जब निकलती है तो अपराधी बिलों में घुस जाते हैं, बेटियां भाभी कमाल का काम कर रही हैं। तो सरकारी नौकरियों में भी ज्यादा आए वो। फिर एक काम और किया मेरी बहनों, जिससे बड़ा बदलाव आया, मुझे ये कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने तय किया कि जितने भी चुनाव होते हैं पंचायत के, नगर पालिका के, नगर निगम के, पार्षद सरपंच पंच के, उन सब में आधे पदों पर केवल बहनें ही लड़ पाएंगी और लड़के चुनाव जीत के आएंगी। आज जरा ईमानदारी से बताना, अगर ये 50% मतलब आधा रिजर्वेशन हर एक पद के लिए, मेयर के लिए, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए, नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए, सरपंच पंच के लिए, जिला पंचायत के सदस्य के लिए, जनपद पंचायत के सदस्य के लिए, अगर मैं आधा रिजर्वेशन नहीं करता 50%, तो क्या इतनी बहनें सरपंच बनती क्या? मैं बहनों से पूछ रहा हूं, बनती क्या? ना इतनी सरपंच बनती, ना मेयर बनती, ना अध्यक्ष बनती। साहब कहते घर में बैठ, चुनाव तो मैं लड़ रहा हूं, रोटी बना, 50 आदमी आ रहे हैं आज खावे। तो ये हालत होती थी, और घर में भी रहे और घूंघट भी, बाहर मत निकल जाना। और आज जब 50% का रिजर्वेशन मिला तो बहनें शान से चुनाव के मैदान में आई,
साफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि मेरी श्रीमती जी लड़ रही हैं, वोट दे दो। ये बड़ा सामाजिक परिवर्तन है, बड़ा सामाजिक परिवर्तन। इस फैसले के बिना इतना बड़ा सामाजिक परिवर्तन हो नहीं सकता था, लोग निकलने ही नहीं देते घर से। लेकिन अब बहनें बड़े बड़े पदों पर चुन रही है और कई मेयर ने तो इतना अच्छा काम किया। अब तुलसी जी बैठे इंदौर में, महिला मेयर थी मालिनी गौड़ जी, 5-5 बार स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 आ गया भाई। तो हमारी महिला मेयर बनी, अध्यक्ष बनी, सरपंच बनी। यहां एक बेटी है भक्ति शर्मा, वो सरपंच बनी, बहुत अच्छा काम करके दिखा रही। ऐसी एक नहीं आने को, देखो मौका मिले तब तो काम करोगे। अगर केवल चूल्हे में लकड़ी जलाती रहती तो कोई अपनी क्षमता का प्रकटीकरण कर पाती क्या? मौका मिला तो चमत्कार कर दिया। और इसलिए ऐसे कई फैसले हमने करे जिससे बहन का सशक्तिकरण हो, बेटी का सशक्तिकरण हो। और उसी की एक बड़ी और अहम कड़ी है, जैसे अभी चर्चा में आया, आर्थिक सशक्तिकरण। पैसा पास में हो तो इज्जत अपने आप होने लगती है। आपको महाभारत का एक उदाहरण सुनाता हूं। आपने भीष्म पितामह का नाम सुना होगा। भीष्म पितामह जब सरसैया पे लेटे थे, अर्जुन ने बाणों से बीत दिया और वो गिरे तो जमीन पे नहीं गिरे, इतने बाण थे कि बाणों पे ही धरे ऊपर, सरसैया कहते हैं उस पे थे। और तब उनसे ज्ञान लेने लोग पहुंचते, क्योंकि वो अपने इच्छा मृत्यु का वरदान उनको प्राप्त था कि जब सूर्य उत्तरायण में जाएगा तब मैं प्राण छोड़ूंगा। तो वो जीवित थे तो उनसे ज्ञान प्राप्त करने पांडव भी गए, साथ में द्रौपदी भी थी। तो भीष्म पितामह बड़ी ज्ञान की बातें करने लगे तो द्रौपदी हंस दी। तो पितामह ने पूछा कि बेटी तुम हंसी क्यों? तो द्रौपदी ने कहा कि पितामह आज बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हो, उस दिन तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया था जब भरी सभा में कौरव मेरा चीर हरण कर रहे थे और आप चुपचाप बैठे थे। तो भीष्म पितामह ने उत्तर दिया कि बेटी पुरुष अर्थ का दास है, पैसे के दास है। और तब दुर्योधन राजा थे, उनका अन्न मैंने खाया था, उसका बना खून मेरे शरीर में था और इसलिए उस समय ज्ञान कुछ नहीं सूझ रहा था। अर्जुन के बाणों ने आज उस खून को मेरे शरीर से बाहर कर दिया, इसलिए मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ। ये कहा भीष्म पितामह ने, पुरुष अर्थ का दास है, अगर पैसा है तो इज्जत अपने आप हो जाएगी। और इसलिए पैसा आजीविका के लिए भी जरूरी है, पैसा आत्मसम्मान के लिए भी जरूरी है, पैसा आत्मविश्वास के लिए भी जरूरी है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी हर बहन पैसा कमाए, सम्मान के साथ कमाए, आमदनी उसकी बढ़े। और आमदनी बढ़ाने का सबसे प्रभावी उपाय अपने पास है तो वो है आजीविका मिशन, अपना आजीविका मिशन। मैं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को बधाई देता हूँ, बेलवाल जी जैसे हमारे साथी को बधाई देता हूँ, मैं अपनी उन बहनों को बधाई देता हूँ जो इस काम को आगे बढ़ाने में लगी है। मेरा सपना है, मैंने एक सपना देखा है कि मेरी हर गरीब बहन आजीविका मिशन से जुड़ के कम से कम 10,000 रुपया महीना तो उसकी कमाई हो जाए। और उसके लिए दिन रात एक करेंगे, बहनों को लगातार जोड़ते रहेंगे। अभी हमने लगभग 40 लाख के आसपास बहनों को जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। अभी मैं हर महीना बैंकों की क्लास लेता हूं, ये भी रहते हैं उमाकांत उमराव और बेलवाल जी भी, बैंकों की क्लास। कितना दिया तुमने पैसा बैंक लिंकेज मिला कि नहीं स्व सहायता समूहों को? डंडा लेके पीछे पड़ा हूं। तब आज 300 करोड़ रुपया बहनों के खाते में डाल रहे हैं और हर महीने डालते रहेंगे। मेरी बहनों चिंता मत करना, ब्याज की सब्सिडी भी देंगे, बैंकों से पैसा भी दिलाएंगे और तुम्हारे बनाए हुए प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करेंगे
और पैकेजिंग करने में भी सहयोग देंगे। मेरा अपनी बहनों से आग्रह के पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, एक के बाद एक नया काम करती जाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं, और जो चीज आप उत्पादित करें उसको आजीविका मार्ट पोर्टल से जोड़ें। आजीविका मार्ट पोर्टल ऐसा है कि जिसमें आपका सामान पोर्टल में दिखने लगा तो घर बैठे भी ऑर्डर आने लगते हैं, जरूरत नहीं कि आप फेरी लगाने जाओ। तो वो उपाय भी हम करेंगे, लेकिन हम अपने उत्पादों को घर बैठे ही अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। सरकार द्वारा जो बैंक की ऋण सुविधा दी जा रही है, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं देखो, उसका फायदा लो। साहूकारों से पैसा लेने की कोई जरूरत नहीं है, सूदखोरों के चक्कर में हमको पड़ना नहीं है, नहीं तो वो बर्बाद कर देते हैं। और मेरी बहनों, आत्मविश्वास के साथ खुद सोचो, अगर स्कूल की यूनिफॉर्म सिल लाए तो हम कोई के भरोसे काय को रहे, खुद दुकान पे जाओ, मोल भाव करो, अच्छी क्वालिटी का सस्ते दामों में खरीदने की कोशिश करो। ये हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। स्वतंत्र रूप से निश्चिंत होकर अपना कारोबार करें, सब चीजें ठीक होती चली जाएगी। खुद सामग्री खरीदें और जहां तक हो सके नगद लेन देन के बजाय डिजिटल लेन देन की तरफ आगे बढ़ें। एक बार अगर कोई समूह बन गया तो वो समूह फिर टूटना नहीं चाहिए, वो चलना ही चलना चाहिए। और समूह में 13 सूत्र आपको सिखाए जाते हैं, उन 13 सूत्रों पर आप पूरा अमल करते हो। 13 सूत्र सबको मालूम है ना, यहां बैठी बहनों से 13 सूत्र पता है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, ऐसे नहीं, हाथ उठा के बताइए, पता है 13 सूत्र? हाँ, तो 13 सूत्र सीख लो, क्योंकि ये ट्रेनिंग का विषय है। हम सीखना चाहते तो हम सीख जाते हैं। उन्हीं सूत्रों पर चलते हुए अपने समूह को आप आगे बढ़ाएं। सरकार बाजार उपलब्ध कराएगी, सरकार कई चीजें, जैसे आपने देखा स्कूल की यूनिफॉर्म, बिजली के बिल का कलेक्शन, अब ये जो हमारी राशन की दुकानें, वो भी कई जगह बहनों से ही हम चलवाएंगे। गेहूं की खरीदी और बाकी चीजों की खरीदी, उसमें भी बहनों को लगाने का काम कर रहे हैं। एक नहीं, ऐसे अनेकों नए नए काम भी हम खोजते चले जाएंगे। आप भी खोजें, हम भी खोजें, और ये संकल्प करें कि आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, आमदनी अपनी बढ़ाएंगे, अपने पैरों पर खड़ा होंगे, ताकि जरूरत पड़े तो परिवार की मदद हम खुद कर सकें कि ये काम हम करेंगे, पति की भी मदद आप कर सकें। मैं कोई पति पत्नी में मतभेद की बात नहीं कर रहा, लेकिन महिला को भी स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए साहब। हम केवल ताने सुनने के लिए नहीं है। आखिर भारत में कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां माँ बहन और बेटियों की पूजा होती है वहीं भगवान निवास करते हैं। जहां बहनों की इज्जत नहीं होती वहां भगवान भी निवास नहीं कर सकते। इसलिए गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती हैं हम, तो पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे। आप आगे बढ़े, भाई आपके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की पूरी सरकार आपके साथ है, जगह जगह आज हमारे विधायक साथी जुड़े हुए हैं वो आपके साथ हैं, मंत्री आपके साथ हैं, मिलके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे और अपने प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में भी योगदान देंगे। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम, नमस्कार।